नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ACCL की कुसमुंडा खादान से लगे गांव में रहने वाले ग्रामीण अब सुरक्षित हैं। कोयला उत्पादन के लिए खादान में होने वाली हैवी ब्लास्टिंग के कारण लोगों के आवास प्रभावित हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की जान खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। खादान में सटे ग्राम बरपाली में ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां देखते हैं कि हरिदास नामक ग्रामीण के मकान का छप्पर भरभरा कर नीचे गिर गया। इस घटना की आहट परिवार वालों को पहले ही हो गई, लिहाजा उन्होंने घर से बाहर निकलकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। हरिदास की पत्नी ने बताया कि वे अपने बच्चों को लेकर दोपहर के वक्त घर पर सो रही, तभी पड़ोसी ने उन्हें जगाया, जिसके बाद वे कमरे के बाहर निकली, जिसके बाद घर की छत गिर गई। कहा जा रहा है कि खदान में ब्लास्टिंग होने के कारण ये सब कुछ हुआ है। हरिदास के पड़ोस में रहने वाले एक और ग्रामीण का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। मेदनी बाई नामक महिला ने बताया कि उसके घर की दीवारें दरक गई हैं और घर की शीट भी टूट गई है। बरपाली की तरह कुसमुंडा खादान से लगे पाली पड़निया जटराज गांवों का भी यही हाल है, जहां ग्रामीणों के घर ब्लास्टिंग के कारण प्रभावित हो रहे हैं। समय रहते अगर इनका स्थापन नहीं किया गया तो बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कल दगानी हुई से यहाँ सोए रहे बच्चा लोग खाना उना खा के, और फिर दगानी हुई ना तो थोड़ा कोई आया बाहर में तो बाहर निकले, तो उसके बाद दगानी हुई तो पूरा घर टूट गए। बाल बच्चा थोड़ा देर और रुक रहा था तो पूरा सब खत्म हो जा रहे थे है। तो इतना दिन के हो है, और कल वो पार्षद को बुलान, अब आके देख के गए, अब बना दे वो कोई के कहा थे, अब बनाते नहीं। तो ये जो दगानी जो आप ब्लास्टिंग बोल रहे हैं, हाँ, ये कहाँ पे हुआ, तो कैसे आप लोग को लगा? अब खदान में हुई से यहाँ एहसास तो पूरा ग्यौरा तक हो थे। कितना दूर है खदान यहाँ से? अब कहाँ है, तो नजदीक। रोज होता है ब्लास्टिंग? डेली रोज, चार पांच बार होते, एक बार नहीं, डेली है होते। और क्या क्या नुकसान हुआ है आप लोग? अब देखा पूरा सामान अंदर में है, सीट फट गए है, खटिया पूरा सब बिस्तर सब वहाँ पर है अंदर है। दबे कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? 20-25 साल हो गए, 2007 से आए हैं यहाँ। ये क्या हुआ, कल क्या घटना हुई? कल हम लोग सोए थे यहाँ, जब ब्लास्टिंग हुआ पहले आया कमलेश और गाड़ी वाला ना, फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले, फिर उसके बाद ब्लास्टिंग हुआ करीबन 4 बजे टाइम। फिर उसके बाद आके देखे तो मैं अपने मम्मी को बोली कि मम्मी देखो ना घर कैसे टूट गया करके, फिर आई मेरी मम्मी आवाज करी इसमें। तो आप लोग कितने बजे सो के निकले हैं? हम लोग जब कमलेश आया, कमलेश जब आवाज दिया हम लोग को, तगानी हुई सो उतने टाइम ना करीबन 4 बजे हुआ लेकिन लास्टिंग।